हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको बताऊंगा SBI का ऑपरेटरशिप फॉर्म कैसे भरना है। इसकी लिंक जो है डायरेक्ट फॉर्म भरने की नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक करके आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर आ सकते हो। तो आपको गूगल पर जाकर आपको SBI करियर डाउट इसे करना है। उसके बाद आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट में जाकर आपको ऐसा एक फॉर्म दिखेगा, एंगेजमेंट ऑफ SBI अप्रेंटिशिप। उसके बाद आपको ऐसा ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया होगा तो आप डायरेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर आपको अगर नहीं हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, फिर उसको फिर से एक बार डालना पड़ेगा, फिर आपका मिडिल नेम जो भी है वो डालना है। मिडिल नेम के बाद फिर से वही रिपीट कन्फर्म करने के लिए आपको डालना पड़ेगा, जैसे लास्ट नेम भी आपको डालना कन्फर्म करने के लिए वैसे ही डालना पड़ेगा, ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो नाम में, क्योंकि इसकी वजह से हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अपना नाम जो है थोड़ा केयरफुली करें डालें, हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी नंबर जो है आपका परमानेंट वो आ जाएगा, क्योंकि उसी के ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपका आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर भी आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी थोड़ा कंफर्म ध्यान से डालिए, ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला अभी था कि ईमेल आईडी भी आपको डालना है, तो आप ईमेल आईडी डालिए यहाँ पे। और भी कुछ जानकारी अगर चाहिए होंगी आपको तो आप यहाँ पे मुझे आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। और वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि बहुत ज़्यादा आपके दोस्त या फ्रेंड लोगों को पता चल सके। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक कोड आएगा, कैप्चर आएगा, वो कैप्चर डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, वो मैसेज में रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आएगा, वो आप एक डायरी ईमेल नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको आगे काम आ सके। और आपके मोबाइल पर भी इसका मैसेज आ जाएगा, SMS आ जाएगा, और आपके मेल आईडी पर भी आपका ईमेल आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, शो कर रहा होगा कि किस तरह मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर डाली है। ये सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा डालना है, अगर आप कौन सी लैंग्वेज से बात को कौन से स्टेट में अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप महाराष्ट्र, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाला हो, तो अगर आप कोई भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट से डाल सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट में भी डाल सकते हो ऐसे कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप ये कर रहे हो, तो 1, 2, 3 डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हो एटलीस्ट। तो अगर आपको कोई अदर स्टेट में भी डाल सकना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, उसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिस स्टेट से आप बोलेंगे उसी स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं वही डिस्ट्रिक्ट आपको बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका कास्ट सेलेक्ट करना है, सब कास्ट भी आप डाल सकते हो या फिर नहीं डाल सकते हो। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन हो तो आप यस करें, अगर नहीं हो तो नो करें। इसके बाद ये जो स्टार मार्क्स है वो आप डाल सकते हो, अगर आप भी अगर ये हो एलिजिबल हो तो वो यस करें, ना नहीं है तो नहीं करें। यहाँ पे आपको आपका रिलीजन बिलोंग्स करते हो वो डालना है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर के लिए कौन सा स्टेट आप चूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे आपको डालना है, ताकि आपको कोई ये ना हो। तो आप कोई भी ले सकते हो, अदर वाला भी रखते हो या फिर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो भी ले सकते हो। उसके रिगार्डिंग ही आपको एग्जामिनेशन का सेंटर जो है वो सिटी वो आपको एलिजिबल हो सकता होगा। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा है, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ यहाँ पे शो के लिए। डेट ऑफ बर्थ थोड़ा ध्यानपूर्वक रहे, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होता है आपका वाला, मैं ये सिर्फ ये एग्जांपल के डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर जो भी है वो डालिए,
मेल फीमेल या फिर जो भी है आपका, अगर आपको ट्विन सिस्टर या ब्रदर है तो येस करें, अगर नहीं है तो नो करें। उसके बाद अगर आपका मैरिज स्टेटस जो भी है वो डालिए, यहाँ पे आपका पेरेंट्स का नाम डालिए पूरा जो भी है आपका वो। पेरेंट्स का नाम डालते से थोड़ा ध्यान से डालिए, क्योंकि ये भी आपका कन्फर्म चेक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। आपका वैसे भी यहाँ पे मदर्स का भी नाम डालना है, मदर्स का फर्स्ट नेम, लास्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये भी डालना है। अगर आपको स्पाउस है तो स्पाउस के बारे में भी, वाइफ के बारे में भी आपके यहाँ पे डाल सकते हो अगर आप मैरिड हो तो। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, या फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आप करस्पॉन्डेंट एड्रेस में डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी शो कर रहा हूँ, ये एक सोचा समझा लिखा हुआ एक एड्रेस है ऐसा ही, तो आप अपना वाला एड्रेस जो है वो डालिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एड्रेस डालते समय थोड़ा ध्यानपूर्वक डालिए, क्योंकि उस एड्रेस पे आपका जो लेटर वगैरह होता है पोस्टल एड्रेस के, वो आते हैं आपके एड्रेस पे, तो थोड़ा ध्यान से डालिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये थोड़ा एड्रेस में थोड़ा ये हो रहा है कम ज़्यादा, उसकी वजह से हो गया, लेकिन जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ उस तरह मत कर रही है। एड्रेस डालते समय मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यानपूर्वक रहें, थोड़ा मेरा ये एड्रेस गलत हो चुका था, तो मैं फिर से एक बार आपको एड्रेस बता रहा हूँ कैसे क्या डालना फिल करना है। एड्रेस जो आपका अगर घर नंबर हो या फ्लैट नंबर हो तो वो भी आप डाल सकते हो, गली नंबर तो गली नंबर, या फिर नहीं होगा तो भी चलेगा, एक एक लाइन में आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हो। अगर आप आपका जो कौन सा सिटी या नगर या जो कुछ भी है वो आप यहाँ पे फिल करें ताकि आपको एड्रेस में कोई दिक्कत ना हो, और आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है, या फिर परमानेंट एड्रेस जो है आपका वो करस्पॉन्डेंट एड्रेस में भी आप डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको स्टेट के बाद आपको यहाँ पे आपका पिन कोड नंबर डालना है, पिन कोड डाउन से डालिए, क्योंकि इसी पे ऊपर आपका ये डिपेंड होता है आपका पोस्टल एड्रेस का जो लेटर्स वगैरह होता है वो आता है। मैं कैटेगरी में आता हूँ इसलिए यहाँ पे ये नील हो रहा है फी, अदरवाइज वो आपको फी लगेगा। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के बारे में डालना है, क्वालिफिकेशन में अगर जो भी आपको हुआ होगा उसके बारे में डालिए। उसके बाद आपका कॉलेज का नाम भी डाल सकते हो या फिर यूनिवर्सिटी का नाम भी डाल सकते हैं। अगर उसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग डालना है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए अब SBI अप्रेंटिसशिप का फॉर्म कैसे भरना है। और भी इस वीडियो को देखने के लिए और भी मज़ेदार मैं वीडियो आपको लिए बता रहूँगा, तो यहाँ पे आपको एग्रीगेट मार्क्स जितने मिले या फिर CGPA आपका पता होगा तो उसके दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे CGPA डाल रहा हूँ, मेरा CGPA जो है 6.8184, सॉरी 84 है। उसके बाद उसका टोटल CGPA था आउट ऑफ 10 में से हुआ था, और आपको यहाँ पे आपका परसेंट भी डालना है उसके रिगार्डिंग जितना होता है उतना, तो मेरा जो था वो 61% हो रहा था उसके रिगार्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो ग्रेड है वो भी डाल सकें, ये होने के बाद आप नीचे अदर्स कुछ जो भी है वो डाल सकते हो। यहाँ पे आप अगर ट्रेनिंग या जॉब कर रहे हो तो अगर कर रहे होंगे तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। उसके बाद आपने इसके रिगार्डिंग इस अप्रेंटिसशिप अगर कोई होंगी कोई भी ब्रांच में या फिर SBI में तो यस करें, नहीं हो तो नो करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो यस करें, नहीं होगा तो नो। अगर लैंग्वेज जो चाहते हो आपको उसको वो करना है, उसके बाद राइट क्लिक करके आपको ऐसा फॉर्म आ जाएगा, आपका जो डिटेल्स आपने फिल किया हो
तो फिर एक बार चेक करिए, अगर कोई करेक्शन हो तो करेक्ट करिए, नहीं होगा तो नहीं करिए। अगर सही सब सही है तो वहाँ पे आप फोटो के लिए राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करें बाद नीचे आपको एक डिक्लेरेशन होगा फॉर्म, उसको भी राइट क्लिक करें, या आपका साइन है उसको भी कंफर्म करें, उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद ही डायरेक्ट आपका प्रिंट निकलेगा, तो प्रिंट आप निकल के अपने मोबाइल में डाल सकते हो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर वीडियो ये पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग वीडियो।